इस साइड देख सकते हो माँ कौशल्या के मंदिर में अभी काम वगैरह चल रहा है, पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे देख सकते हो काम वगैरह चल रहा है। तो इस साइड देख सकते हो माँ कौशल्या के मंदिर में भी काम वगैरह चल रहा है। आप लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हो, जरूर एक बार आना माँ कौशल्या का मंदिर। इंडिया में मात्र एकलौता मंदिर है माँ कौशल्या माता का, जन्मभूमि यही गांव है। ये मंदिर देख सकते हो श्री राम जी है और श्री राम भगवान की माता जी माँ कौशल्या माता, भगवान राम जी है, माता कौशल्या देख सकते हो, दोनों है यानी माँ बेटा श्री राम भगवान और माँ कौशल्या। और यहाँ पे देख सकते हो जय सिया राम लिखा हुआ है, हमारे श्री राम भगवान के जो पैर हैं, तो पैर छू लेते हम श्री राम भगवान के पैर, हमारे श्री राम जी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे काफी बड़े, और पूरा बीच तालाब के बीचों बीच यानी कि माँ कौशल्या का मंदिर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। यही है यानी कि रायपुर से यानी कि मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है माँ कौशल्या का मंदिर। और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ भिलाई से रायपुर, रायपुर के आगे 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है चंदखुरी गांव। दोस्तों वहाँ पर श्री राम भगवान की माता जी का गांव है और वहाँ पे काफ़ी सुंदर उनका मंदिर है, तो आज आपको दिखाऊँगा दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। फाइनली दोस्तों आप निकलते हैं, मैं और मेरा भतीजा देख सकते हैं ये भी रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, तो अब चलते हैं अपन रायपुर, रायपुर से आगे मात्र 15 किलोमीटर दूर चंदखुरी गाँव चलते हैं। तो भाई लोग आज मकर संक्रांति है तो इधर पतंग उड़ा रहे, दोपहर में उड़ाएगा, तो निकलते हैं दोस्तों, आपको मिलते हैं फिर मंदिर में।
तो फाइनली दोस्तों अपन चंदखुरी गांव पहुंच गए। रायपुर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर के दूरी पर है ये चंदखुरी गांव, श्री राम भगवान की माता जी का जो गांव है और यहां पर माँ कौशल्या का मंदिर है। तो आज आपको दिखाएंगे किस टाइप में यहां पर मंदिर है, कौशल्या माता जी का जन्मभूमि। तो आज आपको पूरा कवर करके मंदिर का दिखाएंगे दोस्तों। इस साइड में देख सकते हो माँ कौशल्या का मंदिर है, ये वाला देख सकते हो ये मंदिर है और ये प्रवेश द्वार है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है धनुष के रूप में श्री राम भगवान के देख सकते हो। तो आज आपको पूरा कवर करके मंदिर दिखाएंगे, पूरा देख सकते हो अभी मंदिर बन रहा है और साइड में देख सकते हो पूरा रोड यानी कि बन रहा है मंदिर के नाम से। तो चलते हैं आज आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं दोस्तों। तो इस साइड से चलेंगे दोस्तों, आज आपको पूरा कवर करके माँ कौशल्या का मंदिर दिखाएंगे किस टाइप में है और काफ़ी पुराना मंदिर है तो आज आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। तो इधर से चलते हैं दोस्तों और देख सकते हो पूरा लाइन से यानी कि गाड़ी वगैरह खड़ा हुआ है मंदिर में यानी कि दर्शन करने के लिए आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से। तो ये मेन प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों, आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे किस टाइप में है माँ कौशल्या का मंदिर। और राइट साइड में प्रसाद वगैरह का दुकान वगैरह लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। साइड देख सकते हो पूरा यानी कि प्रसाद वगैरह छोटा छोटा यानी कि स्टॉल वाला दुकान वगैरह लगा हुआ है। तो यह है प्रवेश द्वार माँ कौशल्या का। दोस्तों आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो राम वन आगमन परिवर्तन परिपथ हाँ और माता कौशल्या धाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और देख सकते हो छोटे छोटे इधर गार्डन वगैरह भी बना रहे हैं अभी यानी कि काम चल रहा है और राइट साइड में स्टॉल दुकान वगैरह लग रहा है। धीरे धीरे यानी कि पूरा डेवलप हो रहा है दोस्तों ये मंदिर माँ कौशल्या जी का। तो इधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों श्री राम भगवान का मूर्ति काफ़ी बड़ा यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं हमारे श्री राम जी। एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जय श्री राम हमारे श्री राम भगवान के यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पैर बनाया गया है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर। और यहाँ पे देख सकते हो जय सिया राम लिखा हुआ है हमारे श्री राम भगवान के जो पैर हैं, तो पैर छू लेते हम श्री राम भगवान के, पैर छू लेते श्री राम जी के। और इधर चलते आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो हमारे श्री राम जी काफी सुंदर हमारे श्री राम जी लग रहे हैं। और मेन एंट्री गेट ये है दोस्तों, मेन एंट्री गेट ये है, यहीं से चलेंगे और आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग को राम भगवान दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों कितने बड़े हमारे श्री राम जी। और इस साइड में देख सकते हो हमारे बजरंग बली है, यहाँ पर बजरंग बली है और ये हमारे श्री राम काफ़ी बड़े हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और इस साइड का नज़ारा आप लोग देख सकते हो किस टाइप में, पूरा तालाब के बीचों बीच में यानी कि हमारी कौशल्या माता का मंदिर बना हुआ है। और इस साइड में देख सकते हो कार्यक्रम अभी हो रहा है श्री राम जी का। साइड से चलेंगे आपको पूरा कवर करके, यानी कि पहले माँ कौशल्या का मंदिर दिखाता हूँ। Thank you.
पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे देख सकते हो काम वगैरह चल रहा है। तो इस साइड देख सकते हो माँ कौशल्या के मंदिर में अभी काम वगैरह चल रहा है, थोड़ा यानी कि मॉडिफाई किया जा रहा है मंदिर में, आप लोग देख सकते हो पूरा काम वगैरह चल रहा है। देख सकते हो अयोध्या टाइप में इनके मंदिर को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो माँ कौशल्या का मंदिर यही है, अभी देख सकते हो मॉडिफाई तो हो रहा है अयोध्या टाइप में। तो आपको अंदर चल के दिखाता हूँ माँ कौशल्या का मंदिर, देख सकते हो यह है मेन मंदिर माँ कौशल्या का। तो अभी मॉडिफाई हो रहा है अयोध्या टाइप में, आप लोग देख सकते हो माँ कौशल्या का मंदिर। तो आपको इस साइड से लेके चलता हूँ दोस्तों, माँ कौशल्या का दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी दूर दूर से आए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो इस साइड से चलेंगे, आपको दिखाएंगे माता रानी को। तो देख सकते हो मेन मंदिर यही है माँ कौशल्या का, देख सकते हो माँ कौशल्या मंदिर। और यहाँ पर देख सकते हो पंडित जी है, तो आपको मैं दिखाऊंगा माँ कौशल्या जी। और ये मंदिर देख सकते हो श्री राम जी है और श्री राम भगवान की माता जी माँ कौशल्या माता। तो अंदर में है आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। देख सकते हो दोनों यानी माँ बेटा श्री राम भगवान और माँ कौशल्या। तो इनका फोटो यानी कि अभी यहाँ पर देख सकते हो बैनर लगाया गया अंदर में, यानी अभी बाहर काम चल रहा है तो इसलिए यानी कि अभी झिल्ली से यानी कि ढक दिए हैं अंदर। तो अंदर में देख सकते हो श्री राम हमारे प्रभु जी और माँ कौशल्या जी अंदर में है। ये दोनों का देख सकते हो फोटो है माँ कौशल्या माता जी का और श्री राम भगवान का। तो इस साइड भी काफ़ी सारे यहाँ पर जय, इस साइड भी देख सकते हो मंदिर वगैरह है। वहाँ पर देख सकते हो हमारे श्री राम भगवान के पिताजी राजा दशरथ और माता देख सकते हो सुमित्रा। यहाँ पर देख सकते हो माता सुमित्रा और माता माँ कैकेयी और माता कौशल्या, यानी कि तीनों बहन है साथ, तीनों बहन यानी कि साथ में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो भगवान जी हमारे श्री राम लल्ला यहाँ पर खेल रहे हैं और लक्ष्मण है और भरत यानी चारों भाई यहाँ पर खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और इस साइड भी देख सकते हो सभापति प्रमुख सेनापति और यहाँ पे सेनापति मंत्री यहाँ पे यानी के हैं तीनों जन का मूर्ति, आप लोग देख सकते हो। तो इस साइड चलते हैं, आपको इस साइड भी दिखाते हैं। तो इधर से चलते हैं दोस्तों, भोले बाबा का दर्शन करते हैं, देखते हमारे भोले बाबा। तो इधर से चलेंगे और भोले बाबा का दर्शन करते हैं। तो यहाँ से सीढ़ी वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों। देख सकते हो काफी जन आए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो भोले बाबा हमारे काफ़ी दूर दूर से और दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर शिवलिंग देख सकते हो काफ़ी सुंदर। और यहाँ पे नंदी महाराज है, देख सकते हो जस्ट भोले बाबा के सामने में नंदी महाराज है, काफ़ी बड़े नंदी महाराज है, आप लोग देख सकते हो। और इस साइड देख सकते हो तालाब में अभी देख सकते हो
डेवलप हो रहा है, यानी कि मॉडिफाई हो रहा है पूरा तालाब, आप लोग देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। तो भोले बाबा का भी दर्शन वगैरह कर लिए, पूरा मंदिर में भी काम वगैरह चल रहा है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से हमें दिखा नहीं पाया। आप उस साइड चलते हैं, उस साइड का मंदिर दिखाते हैं आपको, और इधर चलते हैं दोस्तों याली। तो यहाँ पर देख सकते हो माँ कौशल्या का मूर्ति और श्री राम भगवान का मूर्ति यहाँ पर रखा गया, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहे हमारे श्री राम जी और माता कौशल्या, देख सकते हो गोद में आने के बैठाई हुई है माँ कौशल्या और श्री राम भगवान मस्त बैठे हुए हैं। काफ़ी सुंदर लग रहे आप लोग देख सकते हो, और इस टाइप में है देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी दूर दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर प्रसाद वगैरह देख सकते हो वितरण हो रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है, तो अपन भी प्रसाद वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेते हैं दोस्तों अपन, अपन को भी प्रसाद मिल गया। तो चलते हैं आपको पूरा देख सकते हो तालाब साइड की घुमाता हूँ, और यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर भी शिवलिंग है और नंदी महाराज है साथ में, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ भी जल वगैरह चढ़ाया गया है, ये देख सकते हो नंदी महाराज और शिवलिंग यहाँ पर भी है, जस्ट इधर भोले बाबा के जस्ट इस साइड में यानी कि नीचे में है, काफ़ी सुंदर हमारे नंदी महाराज जो कि शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। अब इस साइड चलते हैं दोस्तों, आपको पूरा तालाब यानी कि घुमाते हैं किस टाइप में है तालाब का नज़ारा, तो चलो इस साइड चलते हैं आपको पूरा कवर करके और दिखाते हैं। तो दोस्तों इस साइड में अभी यानी कि आप लोग देखे होंगे श्री राम जी का यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है इस साइड में, और महाप्रसाद वगैरह बन रहा है, आज भंडारा भी होगा, आज 14 जनवरी है तो आज भंडारा भी हो रहा है, और देख सकते हो अभी तालाब यानी कि पूरा मॉडिफाई किया जा रहा है पूरा, इस साइड देख सकते हो श्री राम जी का नाम लिखा हुआ देख सकते हो, जय सिया राम यहाँ पर लाइट में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो दोस्तों, पूरा यानी कि ना अयोध्या टाइप में थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो पूरा एड साइड में छोटा छोटा देख सकते हो घर 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 बना रहे हैं, जो बाहर से आएंगे यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, तो पूरा नहीं अयोध्या टाइम में पूरा मॉडिफाई किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो ये छोटा छोटा देख सकते हो यानी कि पूजा पाठ बैठने वाला अयोध्या टाइप के रूप में यानी कि मंदिर टाइप में बनाया जा रहा है, और इस साइड भी देख सकते हो यानी कि जो बाहर से आएंगे गेस्ट लोग तो यहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ रुकने का भी सुविधा यानी कि पूरा छोटा छोटा यानी कि घर बनाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो इस साइड भी पूरा यानी कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे श्री राम जी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे काफ़ी बड़े, और पूरा बीच तालाब के बीचों बीच यानी कि माँ कौशल्या का मंदिर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यही है यानी कि रायपुर से यानी कि मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है माँ कौशल्या का मंदिर, और इनका गाँव जन्मभूमि यही है माँ कौशल्या का। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग बाहर से देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ के बाहर से, तो एक बार जरूर आना दोस्तों यहाँ पर माँ कौशल्या के मंदिर पर, आप लोग काफ़ी सुंदर मंदिर है आप लोग देख सकते हो, अभी मॉडिफाई हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, कम से कम मैंने कह रही कि 80% काम हो गया है, मात्र 20% बचा हुआ है काम, तो इस साइड यानी कि रात में यानी कि लाइटिंग शो होता है, और फुहारा भी देख सकते हो वहाँ पर फुहारा भी लगाया गया है, इस साइड आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो नाइट में यानी कि लाइट शो होता है, और फुहारा भी देख सकते हो बीच में लगा हुआ है, और छोटू रास्ता है उसी पर, उसी रास्ता है, उसी रास्ता है, कैसे जाए बस रद्दा है भाई, नहीं रद्दा है भाई नहीं, रात में फुहारा होते हैं और लाइट उजलते, हाँ बच्चे लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पर लाइट भी जलता है और फुहारा भी यानी कि रात को यानी कि होता है 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हो जरूर एक बार आना माँ कौशल्या का मंदिर, इंडिया में मात्र एकलौता मंदिर है माँ कौशल्या माता का, जन्मभूमि यही गांव है चंदखुरी गांव, और जिला रायपुर में आता है, तो एक बार जरूर आना यहाँ पर
माँ कौशल्या के मंदिर में। अब धीरे धीरे काम चल रहा है दोस्तों, और ये देख आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसी पत्थर से, यानी कि ये देख सकते हो ये पत्थर देख रहे हो, इसी पत्थर से यानी कि पूरा तालाब के किनारे किनारे और मंदिर को मॉडिफाई किया जा रहा है। इस साइड भी देख सकते हो यहाँ पे डिजाइनिंग से यानी कि बनाया जा रहा है। यहाँ पे पिलर देख सकते हो, छोटा छोटा पिलर यानी कि डिजाइन से बना रहे हैं। और इस साइड देख सकते हो पेड़ पौधा लगाने के लिए गार्डन वगैरह बना रहे हैं। आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ, ये पत्थर से देख सकते हो डिजाइनिंग बना रहे हैं। ये देख सकते हो बहुत भारी होगा ये वाला, ये ले देख सकते हो ये पत्थर से डिजाइनिंग बना रहे हैं। देख सकते हो ये पत्थर से, आप लोग देख सकते हो ये पत्थर है, ऐसे से देख सकते हो काफी सुंदर यानी कि डिजाइनिंग बनाया जा रहा है। और इसका भी यही पत्थर से बना हुआ है, छोटा सा मंदिर टाइप में जो बना हुआ है बैठने के लिए, पब्लिक बैठने के लिए। और इस साइड भी देख सकते हो किनारे में यानी कि पूरा बॉर्डर से ये देख सकते हो ये पिलर गड़ा रहे। और इस साइड यानी कि डिजाइनिंग जो वहाँ पर देखे ना, ये वाला डिजाइनिंग इसमें फिट हो रहा है। ये देख सकते हो पूरा डिजाइनिंग से यानी कि पूरा तालाब को मॉडिफाइड किया जा रहा है, पूरा यानी कि पूरा तालाब को मॉडिफाई किया जा रहा है, ताकि काफ़ी दूर दूर से आए दर्शन करने के लिए तो उन लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए दोस्तों, ताकि दोबारा आ सके और चार जन को बता सके कि काफ़ी सुंदर है कौशल्या माता का मंदिर, आप लोग भी जाओ दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हो इस टाइप में यानी कि मंदिर को यानी कि बनाया जा रहा है, और पूरा मंदिर के जो आइड साइड किनारे में पूरा चारों साइड यानी कि अच्छे से मॉडिफाइड किया जा रहा है। और इस साइड भी देख सकते हो मंदिर है काफ़ी पुराना, और काफ़ी पुराना पेड़ भी है यहाँ पर लगा हुआ है। तो धीरे धीरे यहाँ पे काम चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये मंदिर को शायद यहाँ पर लाएंगे, पुराना मंदिर है जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये वाला मंदिर है जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, और यहाँ से मंदिर का नज़ारा देख सकते हो माँ कौशल्या का। और दोस्तों तालाब के किनारे एक और मंदिर दिखाया है, तो आपको ये मंदिर दिखाना चाहता हूँ। इसमें कौन से भगवान है मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे श्री राम जी है, श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों का मूर्ति यहाँ पे रखा गया है, और साइड में देख सकते हो किनारे में हमारे बजरंगबली भी है, और श्री राम भगवान, हमारे लक्ष्मण जी और सीता माता, तीनों जन यानी कि चारों जन हैं इस मंदिर पे। काफ़ी पुराना मंदिर है दोस्तों, देख सकते हो श्री राम दरबार मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री राम दरबार मंदिर। तो इधर से चलते हैं, और जो मेन गांव है चंदखुरी का गांव दोस्तों इस साइड है, पूरा गांव का बस्ती ना इस साइड में है, पूरा गांव का बस्ती इस साइड में है। ये देख सकते हो पूरा पत्थर को यानी कि ला के रखे हुए हैं पूरा डिजाइनिंग के लिए, टाइल्स बिछाने के लिए, जो चल रहा हूँ देख सकते हो पूरा नीचे में लगा हुआ है ये। और इधर भी एक गेट है देख सकते हो गाँव के लिए, यानी कि जो गाँव वाले आते हैं तो इधर से गेट यहाँ पर बनाया गया है इस साइड से गाँव वाले लोगों के लिए। तो फाइनली दोस्तों पूरा मंदिर पूरा घूम लिए, और अभी मंदिर में पूरा काम चल रहा है दोस्तों, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोग कहीं से भी देख रहे हो, छत्तीसगढ़ के बाहर से, इंडिया के यानी कि कहीं भी कोने से, तो ये मंदिर आना चाहते हो तो एक बार जरूर आके ये मंदिर देखो दोस्तों, काफ़ी सुंदर मंदिर है, इंडिया में मात्र एक लौता है माँ कौशल्या जी का मंदिर। दोस्तों इस साइड में देख सकते हो महाप्रसाद वितरण हो रहा है माँ कौशल्या मंदिर में चंदखुरी रायपुर में, तो अपन को भी महाप्रसाद मिल गया यहाँ पर, देख सकते हो अपन को भी देख सकते हो यहाँ पर महाप्रसाद मिल गया है, तो अपन भी महाप्रसाद खाएंगे। तो दोस्तों अपन को भी प्रसाद मिल गया है महाप्रसाद, देख सकते हो इस साइड में वितरण हो रहा है, तो इस साइड देख सकते हो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं, इस साइड में देख सकते हो बहुत इधर खा रहा है, तो इस साइड में अपन को भी प्रसाद मिल गया है, तो अपन भी ग्रहण करते हैं प्रसाद का आनंद उठाते हैं। देख सकते हो इस साइड में प्रसाद देख सकते हो बैठे हुए हैं, और काफ़ी जन इस साइड से आ रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, सब प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो अपन भी प्रसाद का आनंद उठाते हैं दोस्तों। तो आपको खाने के बाद मिलते हैं फिर।
बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है प्रसाद, देख सकते हैं इधर भतीजा भी खा रहा है। फाइनली दोस्तों अपन प्रसाद खा लिए, बहुत ही अच्छा बना था यार, हलवा पूड़ी छोले का सब्जी दाल चावल, मजा आ गया खाकर यार। चंदखुरी गांव में आकर श्री राम जी के माता जी के गांव में बहुत ही अच्छा प्रसाद बना था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।